इन दोनों हल्द्वानी सहित राज्य के तमाम महाविद्यालयों में चुनावी रंग चढ़ चुका है। छात्र अपने पसंदीदा छात्र नेता के प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ कॉलेज परिसर और बाहर मुख्य सड़क में रैलियां निकालकर संगठन के प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज में देखने को मिल रहा है। यहाँ हर बार की तरह इस बार भी मैदान में ABVP और NSUI के बीच टक्कर है। बहरहाल आगामी 24 दिसंबर को छात्र अपना नेता चुनेंगे, लेकिन इससे पूर्व छात्रों के क्या मांगे हैं और फिर किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, इस विषय पर छात्र क्या बोले हैं, आइए सुनते हैं हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्षों से इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते जा रहा है, हर साल नए मुद्दे आते हैं, तो इस साल एक ऐसा मुद्दा हम लेके आए हैं जो वुमेन सेफ्टी के लिए है, बिकॉज ABVP साल भर काम करता है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो इस बार हमारा एक नया नारा है वुमेन सेफ्टी के लिए, हम इसमें प्रेफर करेंगे। और आई फील सेफ ऐप एक हमने जो निर्णय लिया है, हम सरकार से इसकी मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश भर के विभिन्न कॉलेजेस में इस ऐप को लॉन्च किया जाए, जिससे वुमेन सेफ्टी यहाँ पर हो सके। कॉलेज में अभी काफी टाइम से इलेक्शन हुए नहीं थे, तो हमें इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन जितना भी हमने देखा है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमने वोट दिया था इसी उपेक्षा को लेकर दिया था कि हमें सारी चीजें, हमें वो चीज मिले जो हम चाहते हैं। छात्र नेता जो भी चयन हो, जिसका भी चयन हो, हम वोट तो देंगे ही। हम बस ये चाहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई को लेकर भी एक माहौल बने, ना कि सिर्फ राजनीति चले या फिर सिर्फ यही ये सारी एक्टिविटीज़ हो। हम चाहते हैं पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जो टीचर नहीं पढ़ाते उनका भी थोड़ा सा देखा जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता जा रहा है, उस पर भी थोड़ा जोर दिया जाए।